आज का लेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट आज हम कुछ पार्ट विस्कोसिटी का करेंगे. दूसरा आज हम प्रेशर की शीट नंबर 46 एंड 47 एज एन ऑब्जेक्टिव जो मैंने होमवर्क दिया था उसके डाउट्स लेंगे. दोनों आज काम कंप्लीट हो गए दूसरे बैच में, आपके बैच में भी कंप्लीट हो जाएंगे. राइट, तो सबसे पहले विस्कोसिटी पे चलते हैं. और विस्कोसिटी ये रही, यहां से हम शुरू करते हैं. देखो विस्कोसिटी में हमने ये किया, विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसके अंदर लिक्विड जब मूव करता है तो उसके अंदर रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो उसको मूव करने से रोकता है. जिस लिक्विड में ये बिहेवियर ज्यादा होता है वो विस्कस लिक्विड होता है, जो रेजिस्टिंग फोर्स कम लगाता है वो नॉन विस्कस लिक्विड होता है. सिंपल वर्ड में विस्कस लिक्विड मतलब गाढ़ा लिक्विड और नॉन विस्कस का मतलब थोड़ा पतला लिक्विड, तो रेजिस्टिंग फोर्स उसमें कम रहती है. हनी एक विस्कस लिक्विड है, पानी वाटर एक नॉन विस्कस लिक्विड है. विस्कोसिटी के अंदर हम ये मानते हैं कि लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है. और हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है तो कोई भी दो लेयर्स हैं इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, और वेलोसिटी में डिफरेंस कितना होगा dv, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है dx. तो dv by dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट. और हमने एक फॉर्मूला किया था कि इनके लेयर्स में जो ऑपोजिशन की फोर्स है उसका फॉर्मूला माइनस ईटा ए dv by dx होता है. राइट, ए फॉर एरिया ऑफ प्लेट या एरिया ऑफ दिस वाटर की लेयर या कोई भी ऑयल की लेयर, इनटू ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जितना हाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना ही विस्कस लिक्विड होगा, ईटा कम होगा तो नॉन विस्कस लिक्विड होगा. और dv by dx का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है कितने डिस्टेंस dx के ऊपर. इसके ऊपर हमने, और इसके जो यूनिट्स हैं न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, कौन याद करेगा, इसकी जगह इससे डेकापोइस और इसके अंदर पॉइस. तो इसके अंदर हमने कुछ सिमिलैरिटी डिफरेंस और दो क्वेश्चंस किए थे. हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में अब फ्लैट स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, साइड 20 बाय 20 है तो एरिया आ गया 20 बाय 20 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट. एक और प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर एक और प्लेट है और थिन लेयर ऑफ 0.4 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड बिटवीन देम. दो लेयर के, दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड है. अब एक प्लेट तो आप पकड़ के रखो, दूसरी प्लेट के बीच में और पहली के बीच में लिक्विड है. जब मैं मूव करवाऊंगा तो वो ठीक तरह मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वाटर या कोई भी लिक्विड क्या लगाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा. इवन आप अगर बोट को भी चलाते हो, बोट को खींचते हो पानी की सरफेस के ऊपर, इट इज नॉट इजी. आप अगर खींचते भी हो किसी चीज को तो इतना आसान नहीं है, पानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है बॉडी के ऊपर. क्या है, पॉइंट क्लियर है? तो यानी कि जो लेयर की थिकनेस है dx वो कितना गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना. इफ 1 kg वेट मूव्स वन ऑफ द प्लेट यूनिफॉर्मली, तो मैंने फोर्स कितनी लगाई उसको खींचने के लिए, F गिवन है 1 kg वेट, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन. और वेलोसिटी कितनी लगाई, 1, तो नीचे की प्लेट रेस्ट पे है, ऊपर की प्लेट की वेलोसिटी 1, तो dv कितना हो गया, dv का मतलब ऊपर की प्लेट की वेलोसिटी माइनस नीचे की प्लेट की वेलोसिटी जो कि क्या आएगा, 1. तो F का फॉर्मूला ये रहा, ईटा ए dv / dx. माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये फोर्स मेरी अप्लाइड फोर्स है. अगर ये रेजिस्टिंग फोर्स होती
फ्रिक्शन की फोर्स होती मैं माइनस लगाता, पर अगर मैं यहां माइनस लगाता तो ये भी फिर माइनस लगाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, तो हर हालत में यहां पर माइनस लगाओ ना लगाओ मैग्नीट्यूड से काम होना है। तो यहां पर मेरे को क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फोर्स पता है, डीएक्स पता है, डीवी पता है और एरिया पता है। जो भी आंसर आएगा यहां से इसके यूनिट्स, मेरे ख्याल से पीएएस तो मुझे पता नहीं, एक्चुअली पॉइस होने चाहिए थे, ये सीजीएस चल रहा है, और अगर एसआई चल रहा होता तो डेका पॉइस। ये क्या चल रहा है इसमें, मीटर स्क्वायर है, डेका पॉइस करो इसे, ईटा के यूनिट्स सही कर लो, पीएएस मुझे पता नहीं क्या लिखा गया इसमें, लिखो डेका पॉइस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ब्लॉक है, नीचे एक फिल्म है और यहां पर एक ब्लॉक है। अब मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया आपको पता है, इज कनेक्टेड टू 0.01 केजी ऑफ मास गिवन है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है गिवन है, लिक्विड विद अ फिल्म ऑफ थिकनेस 0.3 mm इज प्लेस बिटवीन द प्लेट। तो ये थिकनेस गिवन है, ये कितनी dx, थिकनेस को क्या लिख सकते हैं dx, 0.3 mm मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एरिया आपको 0.10 गिवन है मीटर स्क्वायर और मास आपको पता है। वो कह रहे हैं जब रिलीज किया जाता है तो कांस्टेंट स्पीड क्या गिवन है dv, नीचे की जो सरफेस है रेस्ट पे है, ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है, तो v माइनस जीरो क्या हो जाएगा dv, तो dv की वैल्यू मुझे किस गिवन है, मुझे इसमें क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब फोर्स कितनी चाहिए इसको खींचने के लिए, इसमें फोर्स क्या लगेगी, जितनी रस्सी में क्या है टेंशन, टेंशन क्या होगी, इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, इट्स मूविंग इन द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नो एक्सेलरेशन, तो यहां पर जो भी वेट होगा 0.01 g वही इसमें टेंशन टी हो जाएगी, इसीलिए फोर्स अप्लाइड टू पुल दिस सिस्टम एफ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वेट एम जी दैट इज 0.01 × g, इतने न्यूटन हो गया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ वाले फॉर्मूले में ईटा एक तरफ, फोर्स हमें टेंशन पता है, dx पता है, dv पता है और एरिया पता है, मल्टीप्लाई करके अगेन ये यूनिट्स, इसको डेका पॉइस कर सकते हो, डेका पॉइस है, वैसे पास्कल सेकंड लिखा हुआ है, वैसे ये पीएएस नहीं है, पास्कल सेकंड है, बट मुझे लगता है डेका पॉइस ज्यादा बेटर है, हमने याद किया हुआ है एसआई सिस्टम के अंदर डेका पॉइस इज द बेस्ट आंसर। बोलो कि अगर मान लो ऑयल गिरे, ऑयल के ऊपर चीज को खींचना आसान है, ऑयल गिरे, बट पॉइंट इज कि ऑयल जो है वो कितनी थिकनेस तक, ये विस्कस है, ये विस्कस है, ये पतले लिक्विड नहीं है, ये थिक लिक्विड के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। अब शहद के ऊपर या प्लेट गिर दोगे तो प्लेट को खींचो पता लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम ही विस्कोसिटी है, तो हम अपना काम करेंगे किस पे, विस्कस लिक्विड पे करेंगे, जिनको इतना आसान नहीं खींचना, ठीक। तो ये है, हाँ वैसे मैं समझ सकता हूँ ऑयल होगा कोई और चीज होगा तो वो ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है ये तो बेसिकली, ठीक। बेसिकली क्या करता है ऑयल, नॉर्मली क्या करता है ऑयल का काम ये होता है कि जो फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करती है, दो बॉडीज बॉन्ड बनाती है ना, खुरदरी रफ सरफेस होती है, ऑयल उनमें जाके भर देता है, ऑयल भर जाता है तो वो भर जाता है तो ये फ्लैट हो जाती है तो बॉन्ड नहीं बन पाते, स्लिपरी हो जाती है, राइट। ये वो केस नहीं है, ये कुछ अलग केस है, तो ये लिक्विड की, लिक्विड के साथ ही फोर्स है बेसिकली, थिकनेस है इसमें विस्कस लिक्विड की।
इसके अंदर नेक्स्ट जो है दैट इज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. देखो जो टेम्परेचर का अफेक्ट है, विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. पहला फैक्टर, जब आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो, हीट करते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिकम वीकर. क्योंकि मॉलिक्यूल पे एनर्जी आती है तो इंटर मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाती है. कम होती है तो इससे विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज. तो याद रखना, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर. आप शहद को गर्म करके देख लो, विस्कोसिटी थोड़ा पतला हो जाएगा, करके देख लेना आज, पक्का पतला होगा, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी. राइट, गर्म पानी में शहद डाल के देख लेना, घुल जाएगा, पतला हो जाएगा. लोग जब गला खराब होता है तो पीते भी हैं तो पता लग जाता है कि पतला हो रहा है उसमें. सो अगर ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, हमने नहीं पता ये कहां से आया, हमने कर रहा है, वैसे पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है. बस मैं यही देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा कम होता जाएगा. नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ गैस. हालांकि हम गैस नहीं पढ़ रहे, हम लिक्विड पढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि गैस भी विस्कस होती है. तो जो गैस की विस्कोसिटी है ऑफ गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मूविंग लेयर टू अनदर. डिफ्यूजन समझो ना, गैस के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं. बट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो इसलिए लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, याद रखना. हालांकि आता नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए. प्रेशर का अफेक्ट है एक्सेप्ट वाटर. वाटर का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस इन इंक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर बढ़ाओगे वो विस्कस हो जाएगी, विस्कस हो जाएगा लिक्विड. इन केस ऑफ वाटर विस्कोसिटी बढ़ती नहीं है, विस्कोसिटी कम हो जाती है विद इंक्रीज इन प्रेशर फॉर फर्स्ट फ्यू हंड्रेड एटमोस्फेरिक ऑफ प्रेशर. तो ये वाटर थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है. हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि ऐसा क्यों करता है. 4 डिग्री और ये सब टेम्परेचर के साथ कुछ रिलेशन होता है, केमिस्ट्री में सुनते भी है हम लोग, पर चलो एक बिहेवियर है, एक प्रॉपर्टी याद करनी है. एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर चेंज करते हो केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बात करता केमिस्ट्री का टीचर की जी विस्कोसिटी चेंज हो गई. हाँ डेंसिटी चेंज की बात फिर भी कर लेते हैं पर विस्कोसिटी चेंज की बात नहीं करते. तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है. एक साइंटिस्ट जिसका नाम पॉइसलीस, तो पॉइसलीस फॉर्मूला फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब. तो एक डायग्राम इसके साथ यहां बना लेना कि जैसे सपोज करो आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, ये आपकी एक कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड जा रहा है और बाहर निकल रहा है. लिक्विड बाहर कितना निकलता है उसको लिखा जाएगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. मान लेते हैं यहां का जो प्रेशर है, मान लो टैप है या जिसने भी प्रोड्यूस किया, प्रेशर कितना है, P1 है, टैप ने या जहां से वो ओरिजिनेट हुआ लिक्विड उसका प्रेशर यहां का P1 है. बाहर निकल रहा है तो यहां का प्रेशर P2 है. ये तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, हवा का प्रेशर हो जाएगा. पीछे से नल का प्रेशर लगाता है, पाइप में जो पानी बाहर निकलता है तो एटमोस्फेयर है, तो नलके की तरफ से प्रेशर ज्यादा होता है, पाइप के एंड पर कम होता है, तभी तो पानी बहता है पाइप के अंदर फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर. राइट, यहां तक क्लियर है. और जब आप नलके की पाइप को हवा में ऊपर उठा देते हो ऐसे, या नलका नीचे लगाया और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पाइप चढ़ा दी कि पानी आएगा, पानी कैसे आएगा, H2O जी से प्रेशर का डिफरेंस. उस पानी मतलब अगर पाइप ऊपर होगी तो ऊपर का पॉइंट का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्लस H2O जी हो जाएगा. तो कैसे होगा, ऊपर का प्रेशर बढ़ गया तो नीचे का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस कम हो गया तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, पानी हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर. जैसे चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ, तभी तो वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है. पाइप में प्रेशर डिफरेंस होता है इसलिए लिक्विड मूव करता है. जो काम उसमें टर्म पोटेंशियल करता है वो पाइप में काम कौन करेगा, प्रेशर करेगा. ओम लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस है, पाइप में प्रेशर डिफरेंस है. उसमें प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज मूव करता है, इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस है
लिक्विड मूव करता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मूव करता है, उसमें हम चार्ज अपॉन टाइम को, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करता है किसी टाइम में, और इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज चार्ज बाय टाइम, सुना है ना, ठीक है, चार्ज बाय टाइम। और ऐसे ही इसमें चार्ज नहीं, इसमें वॉल्यूम बाय टाइम, इसको बोलते हैं लिक्विड का करंट, लिक्विड करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट, ये लिक्विड करंट। तो जो काम इसमें चार्ज करेगा वो काम उसमें वॉल्यूम करेगा, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज लिक्विड करंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पॉइसलीज ने हमें ये बताया कि अगर आप प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करते हैं और P1 का प्रेशर ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू P2 का प्रेशर, ये ज्यादा है ये कम है, तो P1 ग्रेटर देन P2, और लेंथ इस ट्यूब की L रखते हैं और रेडियस इसका क्रॉस सेक्शन का R रखते हैं, R, तो बना ले डायग्राम प्लीज इसमें साइड पे। पाइप हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में पीछे नलका चलाया, P1 प्रेशर है उधर कम है तो पानी बहेगा, P1 से फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर, हाँ, तो पानी इसलिए बहता है क्योंकि एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ पॉइंट का प्रेशर कम है, प्रेशर डिफरेंस है। तो इसके अंदर कई बुक्स, ध्यान से, कई बुक्स वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को लिखती हैं V। अब V के तो कई मतलब है, V का मतलब तो लोग वॉल्यूम भी मान लेते हैं, पर कई बुक्स वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को भी, इस पॉइसलीज फॉर्मूला में तो V का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होता है, कई बुक्स इसको Q भी लिखती हैं, Q दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, Q एक ही बात है, राइट। मैं तो यही लिखता हूं, दूर से दिखता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड है, मेरी शीट्स के अंदर आप देखेंगे हैंड रिटन में मैं सिंबल डालता ही नहीं, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं क्या सिंबल है, तो मैं तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पूरा ही लिख देता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पॉइसलीज ने यह बताया कि वी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एक ट्यूब में डिपेंड करता है कि ट्यूब के अक्रॉस कितना प्रेशर का डिफरेंस है, जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड उतना ही ज्यादा बहेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड रेडियस के रेस टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा रेडियस होगा, पाइप बड़ी होगी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड उतना ही ज्यादा निकलेगा। फिर किसी ने कहा ये आर की पावर 4 ही क्यों है जी, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, किया होगा इसने भी यूनिट्स एंड डायमेंशन से कोई एक्सपेरिमेंट, तो पावर निकाल ली होंगी एबीसीडी करके, पर हमें नहीं, साइंटिस्ट का रिजल्ट है, हम तो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पाइप है, जितनी बड़ी पाइप होगी उतना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कम निकलेगा। किसी ने कहा सर मैं टैप चलाता हूँ देखो पानी बाहर आएगा, मैंने कहा ठीक मैं वेट करता हूँ, तो कहता कि सर पाइप की लेंथ पता है कितनी है, मैंने कहा कितनी, कहते 2 किलोमीटर लंबी है, तो फिर कहाँ से पानी आएगा, पानी तो नलका यहाँ लगा है, वो जाके वो 2 किलोमीटर दूर जाके आपने पाइप लगा दी, तो पानी निकलेगा कैसे, इतना तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा इसके क्रॉस, आप यहां से नलका चलाओगे वो कितना की प्रेशर लगा लेगा, अब इतने सारे 2 किलोमीटर लंबे पानी के अंदर को थोड़ा ना वो पुश कर देगा आगे, अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, तो आपको अगर ऐसा होता ना फिर ट्यूबवेल लगे होते हमारे यहाँ हर मोहल्ले में, क्योंकि ट्यूबवेल लगे है, बड़ा बड़ी मोटर है, वो बहुत बड़ी लोहे की पाइप है, ट्यूबवेल चलता है, मोटर चलती है हमारे घरों के दो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक पानी चढ़ जाता है, ऐसा चढ़ता था पहले, आजकल फर्स्ट फ्लोर तक पानी चढ़ जाता है, सेकंड फ्लोर में तो थोड़ा कम ही आता है, आजकल पानी की कमी हो गई है, ठीक, पर द पॉइंट इज कि इतना मतलब इतनी तेज मोटर चलती है, ऐसे अपने आप एक नलके से 2 किलोमीटर दूर पानी नहीं आने वाला, तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर पाइप में पानी कम होगा
तो फिर कम प्रेशर लगेगा और पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा. एंड नेचर ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा. अगर शहद डाल दोगे पाइप में तो फिर कहां से आएगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कम हो जाएगा. अगर नॉन विस्कस लिक्विड होगा या ईटा जिसका कम होगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ज्यादा होगा. इन्हें कंबाइन करते हैं, सारों को कंबाइन कर लिया, पी आर फोर ईटा एल और एक कॉन्स्टेंट लगा. तो जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है कॉन्स्टेंट भी वही देता है, और कॉन्स्टेंट उसने क्या लगाया, पाई बाय एट. फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, लिखो कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला पाई बाय एट पी आर फोर बाय ईटा एल. इस शीट का नंबर है 113, स्टार्टिंग में डाल लेना 113. क्या कॉन्स्टेंट है, एट तो कॉन्स्टेंट है, पाई बाय एट उसने कॉन्स्टेंट लगाया. वो कैसे लगाया, वो इसकी डेरिवेशन ही तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उसके. इधर देखो, तो assumptions used in derivation of Poiseuille's formula. Poiseuille's formula में क्या assumptions हैं? इसको एक बार देखते हैं. देखो, the flow of liquid is steady and parallel to the axis of the tube. उसने कहा कि देखो जी, मेरी assumption है इसके अंदर कि steady flow है. Steady flow का liquid बड़े आराम से flow कर रहा है. एक होता है liquid बहुत तेज से flow करता है. जब liquid बहुत तेज चलता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा liquid बाहर झाग की फूंक, चार छिट्टे उधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, झाग बाहर आ रही है. ये वो नहीं है, स्टेडी बड़े प्यार से लिक्विड फ्लो कर रहा है. इट्स अ स्टेडी फ्लो, क्योंकि अगर स्टेडी नहीं होगा तो गोल गोल घूम के पता नहीं कैसे बाहर आएगा. और ऐसा तब होगा जब प्रेशर पीछे से ज्यादा होगा और जगह उसमें मूव करने की थोड़ी कम होगी. ये वो केस नहीं, नॉर्मल केस है. दूसरा, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब. ये नहीं है कि प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है किसी क्रॉस सेक्शन पे. कहने का मतलब, अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 है. ये नहीं है कि यहाँ पड़े पड़े टैप का प्रेशर P1 था, फिर ऐसी प्रेशर चेंज हो गया P1 से P2 हो गया या P3 हो गया. ना, कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला लगेगा. और इसके अंदर एक चीज बता दूं कि P का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर P लिखा था ना, ये P, P का मतलब है P1 माइनस P2. मैं लिखना भूल गया, इसके नीचे P का मतलब P1 minus P2. तो volume flowing per second P1 minus P2 के proportional है. तो next assumption है, liquid velocity zero at the walls of the tube and increases towards the axis of the tube. मतलब कि liquid maximum velocity liquid की कहां पर है, on the axis of the tube. कोई ये ना कहे कि wall के ऊपर भी same velocity है, क्योंकि maximum जो velocity है liquid की tube पे रहेगी. walls resist करती हैं पानी को flow करने में, तो ये उसकी assumption है. और ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ लिक्विड. Poiseuille's formula वर्टिकल ट्यूब पे नहीं लगा रहा, किस पे लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल पे लगा रहा है. ये इसकी assumption है. assumption पूछी नहीं जाती, पर मन में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर वो पहले दे रहे हैं ताकि ना आए. जैसे ये एक क्वेश्चन है Poiseuille's formula पे, क्वेश्चन पढ़े प्लीज.
ठीक, देखो कैपिलरी ट्यूब 1 mm इन डायमीटर, तो ठीक है 1 mm डायमीटर, तो रेडियस हम निकाल ही लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो लेंथ भी पता है हमें हॉरिजॉन्टल, उसकी 20 सेंटीमीटर एल गिवन है। डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस ऑफ एल्कोहल इज 20 सेंटीमीटर, ये मान लो एल्कोहल है और ये जो डेप्थ है इस ट्यूब की, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये डेप्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर डेप्थ है ये रही। ठीक, तो ये हाइट की वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ भी कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आपको गिवन है ये रही। तो ऑब्वियसली यहां से अल्कोहल बाहर आएगी, अल्कोहल बाहर आएगी यहां से, तो अब वो कह रहा है कि इफ द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ अल्कोहल तो गिवन ही है, चलो ईटा भी गिवन है और साथ में रो डेंसिटी भी गिवन है, फाइंड अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट विल फ्लो आउट इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितनी अल्कोहल बाहर निकलेगी ये क्वेश्चन है। पहले मुझे एक बात बताओ कि अल्कोहल बाहर निकलेगी, ट्यूब लगाएंगे निकलेगी, क्यों निकलेगी, क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां का प्रेशर, बोलो यहां का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेयर, ऑब्वियसली बाहर तो एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर है, कोने का पॉइंट एटमोस्फेयर है, यहां का प्रेशर बोलो पी वन क्या होगा, पी एटमोस्फेयर, क्योंकि ऊपर से क्या लग रहा है, पी एटमोस्फेयर, बिल्कुल ठीक, प्लस कितना एच रो जी, बिल्कुल सही। तो ट्यूब के अक्रॉस पी प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, पी वन माइनस पी टू, जब मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगा एच, राइट, तो ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस एच रो जी। तो डायग्राम बनाना चाहते हो डायग्राम साथ साथ बना लो, ये बनानी हुआ पॉइंट समझ में आ रहा है, सोल्यूशन शॉर्टकट लगाएगा इसमें एच रो जी, बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है एच रो जी क्यों आया, तो इस ये कॉन्सेप्ट है एच रो जी का। देखो क्या पॉइंट क्लियर है, तो आप एक चीज नोट करें, ईटा आपको सीजीएस में गिवन है, प्रेशर गिवन है, प्रेशर हेड का मतलब होता है प्रेशर का हाइट, जो हेड का मतलब हाइट या लेंथ, तो प्रेशर हेड 20 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल का मतलब है, नॉर्मली ये हेड वर्ड लगाते हैं प्रेशर के साथ, प्रेशर हेड इतना है, प्रेशर अकेला नहीं लगा भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेशर हेड का मतलब ये है कि कितनी हाइट का प्रेशर है, तो जो कि 20 सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल है, तो प्रेशर उसने एच रो जी सीधा लगा दिया, तो लोग याद कर लेते हैं कि शायद लेंथ एल है तो सीधा हॉरिजॉन्टल में एच रो जी लग गया, ऐसा नहीं है, वो रूल है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आया कि वो शॉर्टकट कैसे लगाया, जबकि यहां पर बताना चाहिए था उसको पी वन माइनस पी टू, खैर कोई बात नहीं मैंने आपको बताया। तो एच रो जी क्लियर है, सब कुछ सीजीएस में चल रहे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड या तो वी लिखे या क्यू लिखे बता दिया था, पाई बाय 8 पी आर 4 बाय ईटा एल, पाए 3.14 प्रेशर एच रो जी, रेडियस पता है, ईटा पता है और लेंथ पता है, तो क्या आ गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया, इसको प्लीज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड भी करें, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो ये
क्योंकि पॉइसलीज फॉर्मूला लगाया, और पॉइसलीज फॉर्मूला क्या देता है हमें, वॉल्यूम नहीं देता, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड देता है। तो करेक्शन करें तो एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, 0.16 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताएं कि आपके पास कितना टाइम है इसमें, 5 मिनट है, 5 मिनट में कितने सेकेंड है, 300 सेकेंड है। 300 सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया लिक्विड का जो बाहर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेरे हिसाब से बस ये आंसर आ जाते हैं। अब आखिरी स्टेप काट के ये लिख लें, ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इतना वॉल्यूम आ गया, हाँ कोई पूछ ले कि कितना मास बाहर निकला, तो ठीक है एक काम करें, एक स्टेप और लिख लें, मास इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्योंकि वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, और डेंसिटी क्वेश्चन में कितने गिवन है, 0.8 गिवन है, तो इतने ग्राम्स ऑफ मास पानी बाहर आ गया अगर मास पूछता है। वैसे तो यहां तक भी आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट माना जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे किया? आखिरी स्टेप खुद नोट कर लें, ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन है। इंस्टेंट पे है ये क्वेश्चन, इस पे है। हाँ वैसे आप ये कह रहे हो कि इतना वॉल्यूम निकलता है पेट्रोलॉजी में, वह चेंज हो जाएगा, ये वो है, एवरेज आउट है, ये एवरेज भी है इतने हाइट के हिसाब से। इस क्वेश्चन में अजम्पशन पता है, अजम्पशन या फिर ऐसे बोलना चाहिए कि कोई पीछे से अल्कोहल डालता ही जा रहा है ताकि हाइट कितनी रहे, 20, ताकि प्रेशर चेंज ना हो। अदरवाइज वो ठीक कह रहा है कि हाइट चेंज होती जा रही है तो प्रेशर चेंज होता जाएगा, एचरोजी में चेंज आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें, वो अगली बार कराऊंगा कि अगर ऊपर से ना डालें तो क्या होगा। तो इसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर हेड है, यानी कि ऊपर से अगर अल्कोहल निकलती जा रही है तो ऊपर से कोई डालता भी जा रहा है। हाँ अब ठीक है, तो तब प्रेशर का डिफरेंस विल रिमेन सेम, उसके लिए ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, राइट? ये इसके अजम्पशन है। ओके, इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखें। देखो, थ्री कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम रेडियस आर, अब तीन कैपिलरी ट्यूब्स हैं, रेडियस आर है और लेंथ L1, L2, L3 है, आर फिटेड हॉरिजॉन्टली टू द बॉटम ऑफ अ टॉल वेसल कंटेनिंग लिक्विड एट कॉन्स्टेंट हेड, लिक्विड एट कॉन्स्टेंट हेड, भाई लिक्विड का लेवल नहीं चेंज करना, ठीक है, तो एचरोजी सेम रहेगा, एंड फ्लोइंग थ्रू दीज थ्री ट्यूब्स। तो ये लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और एक ये एक पाइप है, एक ये पाइप है, और एक थोड़ा बाहर मेरी तरफ ये पाइप, 3D, तीन पाइप्स हैं,
और लेंथ ए की L1 है, ए की L2 है, ए की L3 है, इसमें से भी लिक्विड बाहर आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है और इसमें से भी आ रहा है, एंड लिक्विड कॉन्स्टेंट हेड पे है। मान लेते हैं कि लिक्विड जो भी है एच हेड पर होगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंगल ट्यूब आउट फ्लो ट्यूब ऑफ द सेम रेडियस आर विच कैन रिप्लेस 3 कैपिलरीज। तो हर का रेडियस आर है, वो ये चाहता है कि 3 कैपिलरीज में से लिक्विड बाहर आ रहा है। अब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इस कैपिलरी का अलग होगा, इसका अलग, क्योंकि लेंथ सबकी अलग है। वो चाहता है कि 3 कैपिलरी की जगह 1 कैपिलरी लगा दो ऑफ सेम रेडियस। तो बताओ उसकी लेंथ क्या रखें और उतना ही पानी बाहर निकाले 1 सेकेंड में जो 3 ट्यूब्स मिलके निकालती हैं। तो 3 ट्यूब जो मिलके पानी बाहर निकाल लेंगे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वो एक अकेली निकाल ले, ये क्वेश्चन है। अच्छा बताओ पहली ट्यूब कितना पानी बाहर निकालती है पर सेकेंड, क्यू या वी जो मर्जी बोल दो, पाई बाय 8 पी आर 4 बाय ईटा L1। सेकेंड कितनी निकालती है, रेडियस तो सेम है, प्रेशर हेड भी सेम है, उसने बोला हाइट सेम है लिक्विड की कंटेनर में, और यहां पर क्या आएगा L2, और तीसरे में क्या आएगा L3। और जो नई ट्यूब लगेगी उसमें क्या आएगा L, करेक्शन करो L1 नहीं है, दिस शुड बी L, जो नई ट्यूब है इसमें करेक्शन करो, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा L। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब ये बताओ 3 ट्यूब मिलके कितना लिक्विड बाहर निकालती हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वो अकेले कितना निकालेगी Q, विच शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहां पर Q1 की जगह L1, L2, L3, और अभी करेक्शन करवाई थी यहां पर ऊपर L1 नहीं है, यहां पर L। तो यहां से पाए पाए पी पी 8 ईटा सब कैंसल, तो ये टर्म आ गई, सिंप्लीफाई करके L कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट ये था पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूला के बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है स्ट्रोक्स, इसने एक लॉ बनाया जिसको स्ट्रोक्स लॉ बोलते हैं। देखो स्ट्रोक्स लॉ ने उसने ये बताया कि अगर सपोज करो आपके पास अगर कोई लिक्विड है और जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ठीक, मतलब विस्कस लिक्विड है, अगर मैं एक स्फेयर, स्फेयर ही होना चाहिए, वैसे तो कोई भी बॉडी घेर सकते हो, पर अगर कोई स्फेयर जिसका रेडियस आर अगर v वेलोसिटी से मूव करता है नीचे, तो लिक्विड इसे क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, राइट। तो लिक्विड इसे क्या करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, मानते हो इस चीज को। तो लिक्विड इसे रेजिस्ट करेगा या फिर रोकेगा, मतलब कोई भी बॉडी को घेरोगे इतनी स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो वो जो फोर्स F लगेगी, जो फोर्स F लगेगी इसको रोकने के लिए, इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन द सॉलिड, या इसको बोला जाता है विस्कस ड्रैग, कभी कभी इसको बोला जाता है विस्कस ड्रैग। विस्कस का मतलब विस्कोसिटी की वजह से, ड्रैग का मतलब अपोजिंग फोर्स, तो विस्कस ड्रैग F या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दो सिंपल। ये फोर्स की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 6 πe r into velocity v। फॉर्मूला देखा लगता है, कौन से चैप्टर में सुना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, याद है ईटा का ऐसे ही करवाता होता था मैं। तो F इक्वल टू 6 πe r v, जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगी, जितना विस्कस लिक्विड ईटा ज्यादा होगा उतनी अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ स्फेयर के लिए वैलिड है, कल को आपको मैं तो क्यूबॉइड घेरूंगा, मेरे को फॉर्मूला नहीं आता, पर हाँ फोर्स जरूर लगेगी उसके ऊपर, वो क्या लगेगी मुझे मालूम नहीं, पर स्फेयर के केस में F 6 πe r भी लगेगी। बोलो फर्क है। अब थ्रस्ट पानी की फोर्स है,
उसे उछालती है, ये पानी रोकता है उसे नीचे ना आए। आप कोई भी बॉल को, लोहे की बॉल को स्विमिंग पूल में खेल रहे हो, वो आसानी से नीचे नहीं गिरेगी, वो धीरे धीरे नीचे आएगी। एक उस पर क्योंकि अपथर्स लग रहा है, दूसरा पानी की सरफेस, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली फ्रिक्शन की फोर्स बॉन्ड की वजह से होती है, तो रोकेंगे नीचे गिरने से। ये वो है, अपथ्रस्ट प्रेशर डिफरेंस की वजह से था, ये फ्रिक्शन की वजह से। अपथ्रस्ट भी कहां करता है, क्योंकि इसका प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रेशर पे लगती नहीं है। आप चाहे ऊपर की सरफेस पे फेयर को, फेयर ऊपर की सरफेस सी में घेर दिया आपने, चाहे ऊपर की सरफेस या नीचे की सरफेस, क्या फर्क पड़ता है, उसका कॉन्टैक्ट एरिया तो आर के साथ ही चल रहा है ना। रेडियस बड़ा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा रगड़ खत्ता हो जाएगा पानी की सरफेस के साथ, कॉन्टैक्ट में आएंगे मॉलिक्यूल्स। ये लॉ क्लियर है यहाँ तक? एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट बहुत है, जितनी ज्यादा स्फेयर तेजी से नीचे गिर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस ड्रैग उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो वी ज्यादा होगा तो एफ ज्यादा होगा। ठीक, तो अब इसमें वैसे नॉर्मली ये चीज तो उसमें भी होती है, अगर कोई इंटरस्टीलर स्पेस से कोई एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो जल भी तो जाता है कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शनल, क्योंकि वेलोसिटी बहुत हाई होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत हाई होती है। यहां भी ग्राउंड के ऊपर भी जितनी तेजी से रगड़ खाओगे फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज्यादा चीज घिसेगी, अब वो तो रहता ही। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहता है, बट कहीं ना कहीं वो एक ड्रैग जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये इसका लॉ है। वैसे स्कूल में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ के अंदर कई बार आता है कि डायमेंशनली प्रूव करो स्टोक्स लॉ, कई बार आता है डायमेंशनल फॉर्मूला से हेल्प से, कई बार सीधा आता है डेराइव करो। तो ऐसे लॉ की डेरिवेशन नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है। तो लॉ को चेक किया गया कैसे, जो फोर्स है वो ईटा के प्रोपोर्शनल, यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन, ईटा के प्रोपोर्शनल है रेज टू पावर ए, रेडियस के प्रोपोर्शनल है रेज टू पावर बी, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है रेज टू पावर सी। ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशन की प्रॉब्लम होगी और देयर इज सम कांस्टेंट के। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ईटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आर का लेंथ, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, पावर याद है यूनिट्स एंड डायमेंशन एडजस्ट करो, एबीसी की वैल्यू निकालो, एबीसी आएगा वन वन एंड वन, तो आंसर आएगा के टाइम्स के, इसमें सिक्स पाई होता है ईटा आर वी। तो ये चेक करके बताना है आपने स्ट्रोक्स लॉ को कैसे इसने ड्राइव किया या फिर कैसे इसने रिजल्ट निकाला, हो जाएगा सिंपल है ये। ठीक, और कंडीशंस, इसने क्या अजम्पशंस की कि स्ट्रोक लॉ मेरा लॉ कब वैलिड है। पहला पॉइंट, फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशन। कोई ये ना करे कि आज मैं घर जाऊंगा, पानी की बाल्टी लूंगा, एक स्फीयर लूंगा, घेरूंगा और फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा, जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में तो स्फीयर बाल्टी में नीचे गिर जाएगा, तो क्या निकाल लोगे रिजल्ट। सी में करो, समुंदर में जाके करो कि बस गिरता ही जाए, देख उसके साथ गिरते जाओ और देखो कि कैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। मतलब इतने इनफाइनाइट एक्सटेंशन, पूरा समुंदर चाहिए कि समुंदर खत्म ना हो, आप वापस आ जाए तब तक एक्सपेरिमेंट करते करते, इतना मतलब एक्सपेरिमेंट हो। पॉइंट समझ में आया, रुकना नहीं चाहिए, गिरने दो उससे, एक्सपेरिमेंट तभी सही बैठेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी अजम्पशन, बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। ऐसा ना हो ना प्रेशर, बट वही चीज, रिजिड होनी चाहिए, सख्त बॉडी होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि वो खुरदरी बॉडी है, या फिर जैसे सेकंड थर्ड पॉइंट भी सेम ही है, देयर इज नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लूइड, स्लिप जो है नहीं होना चाहिए, पानी फिसल के चला गया, फ्रिक्शन क्या लगाएगा, अगर वो ऑयली हुई या कोई ऐसे तो कॉन्टेक्ट में आएगा ही, तो फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करोगे, और इसमें एंड स्मूथ होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप स्फेयर ना लें, कोई और बॉडी ले लें, शेप अलग ले लें, स्फेयर के साथ कुछ इस तरीके से जो है ऐसी शेप बना दें, साथ में जब वो गिर रहा होगा तो पानी यहाँ पर बीच में और रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, तो इट शुड बी अ स्फेयर, उसने कहा हर तरफ से बराबर होना चाहिए। एंड साइज ऑफ द बॉडी स्मॉल बट इट इज लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर, आप ये रिजल्ट लगाएं स्फेरिकल बॉल पे लगाएं, छोटी बॉडीज पे लगाएं, पर इतना भी छोटा ना लें कि स्फेयर मैंने लिया और मॉलिक्यूल जितना ले लिया, एक मॉलिक्यूल का स्फेयर जितना लो, बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, साइज कम से कम उससे तो बड़ा लो कि एटलीस्ट मॉलिक्यूलर साइज से बड़ा हो जाए, तो इतना भी छोटा साइज नहीं लेना कि दिखे ही ना, इसके assumptions हैं। लास्ट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, ये आ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ में अगर डिफाइन करना है, स्टोक्स लॉ में अगर डिफाइन करना है तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड, जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी फ्लूइड में गिरती है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का मतलब अपोजिंग फोर्स, रोकने की फोर्स इज सेट अप व्हिच अपोजेस मोशन ऑफ द बॉडी। तो बोला ना मैंने, ये एक अपोजिंग फोर्स है, विस्कस ड्रैग जो बॉडी को क्या करती है, अपोज करती है, ये लॉ बताता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? ठीक। टर्मिनल वेलोसिटी को सीखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे सपोज करो, आप खुद ही डिसाइड करके बताना आप क्या होगा। ये मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, मान लो सी है या बहुत डेप्थ है इसकी। मैंने एक स्फेरिकल बॉल को लिया, ये बॉल ले ली, इस बॉल को मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है और अब मैं सी में इसे छोड़ने वाला हूं, तो ये बताओ इसकी अभी वेलोसिटी कितनी है, पकड़ के रखा हुआ है तो वेलोसिटी क्या बोलेंगे, जीरो। मैं इसे रिलीज करूंगा तो इसको कौन नीचे लेके आएगा, इसका राइट नीचे आएगा, गिरेगा, डूबेगा, ये तो बात पक्की है, डूबेगा। बॉडी की डेंसिटी रो और लिक्विड की सिग्मा, एक फोर्स इस पे एक्ट करेगी, ये मेरे हाथ में अभी मैं छोड़ा नहीं है, अप थ्रस्ट इस पे एक्ट करेगा, बिल्कुल एक्ट करेगा, एक बार पानी में बॉडी चली गई तो अप थ्रस्ट तो एक्ट करना ही करना है।
एक और फोर्स जो ड्रैग फोर्स जिसको बोला मैंने अभी, एफ इज इक्वल टू कितना 6 पाई ईटा आर इंटू वी, बट ये एक्ट नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि अभी मेरी वेलोसिटी क्या है, जीरो. तो ये फोर्स भी क्या है, राइट, शुरू में ये एक्ट नहीं करते क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. तो अगर मैं अपने हाथ में स्फीयर को पकड़ लूंगा तो कोई विस्कस ड्रैग नहीं लगता, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती. ठीक, बॉडी का वेट मान लो कितना है, 10 न्यूटन है. बॉडी का वेट 10 न्यूटन है, ठीक है, यहां तक कॉन्स्टेंट है. ये पानी में जाके एक्चुअल वेट तो चेंज नहीं होता ना. अब थ्रस्ट बॉडी का के ऊपर 2 न्यूटन है, वाटर ने इसके ऊपर फोर्स लगाई 2 न्यूटन. अब थ्रस्ट चेंज हो जाता है जब डेप्थ में जाएंगे, अब थ्रस्ट चेंज होते रहते हैं. अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो अब जो एक बार डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो तो चेंज नहीं होगी, जी वो तो चेंज नहीं होगा. अब थ्रस्ट इज कॉन्स्टेंट, वेट भी कॉन्स्टेंट होता है, अब थ्रस्ट भी कॉन्स्टेंट होता है. तो मान लो ये 10 है, ये 2 है, मैंने जान के 10 बड़ा लिया है क्योंकि मुझे पता है लोहे का स्फेयर ऐसे डूबना है. तो ये नीचे गिरेगा, इसकी इनिशियली फोर्स क्या है, जीरो. तो बोलो नेट फोर्स जिससे नीचे गिरेगा, 10 में से 2 गया 8, ये बताओ क्या ये एक्सेलरेट करेगा, करेगा. मैंने इसको यहां से रिलीज किया, बॉडी का वेट इससे नीचे गिरेगा. मान लो बॉडी का वेट 10 न्यूटन, अब थ्रस्ट मान लो बॉडी का, बॉडी के ऊपर 2 न्यूटन. ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती पानी में, बॉडी नीचे गिरेगी, डूबेगी. कितनी नेट फोर्स से डूबेगी, 10 में से 2 गया तो 8 न्यूटन. कोई डाउट इसमें, राइट? क्योंकि नेट फोर्स है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, करेगी. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना. वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, चलो वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई. वेलोसिटी जीरो नहीं रही क्योंकि आपने कहा एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी बढ़ गई 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो उसी टाइम क्या एक्ट हो गई, विस्कस फोर्स. अपोजिंग फोर्स बढ़नी स्टार्ट हो गई. मान लो अपोजिंग फोर्स शुरू में थी 1 न्यूटन, फिर हो गई क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ी. वेलोसिटी क्योंकि आपने कहा एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझो कि वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ी, फोर्स बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, फोर्स बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, फोर्स बढ़ी, बढ़ते 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 8 न्यूटन हो गई. जैसे ही 8 न्यूटन हुई, अब नीचे की फोर्स कितनी है, 10, ऊपर की कितनी हो गई, 10. नेट फोर्स क्या हो गई, 0. तो उसी टाइम लोहे का स्फीयर समुंदर में किस पे आ जाएगा, एट तेरे की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. लोहा तो डूबेगा एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. एक्स नेट फोर्स 0 का मतलब जरूरी नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे आएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट. पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो अब वो वेलोसिटी बढ़ानी बंद कर देगी, उसी वेलोसिटी से चलती जाएगी और ये अपोजिंग फोर्स चेंज नहीं होगी, 8, 8, 8 ही लगती जाएगी. उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है जो थोड़ी देर में अटेन हो जाती है जब नेट फोर्स बॉडी पे क्या हो जाती है, 0. क्या ये पॉइंट समझ में आया, टर्मिनल कैसे अटेन हुई? शुरू में नहीं हुई, शुरू में तो वेलोसिटी बढ़ रही थी पर साथ साथ एफ भी बढ़ना स्टार्ट हो गया. एक टाइम आया जब वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि एक्सेलरेशन ही 0 हो गई. क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लेकिन इससे पहले कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कुछ भी इसमें, ताकि मैं इस एग्जांपल को क्लोज करूं. काम है? पूछो. हाँ जी, वो निगलेक्टेड है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट है प्लीज. ठीक है, सेकंड एग्जांपल, मान लो आपको कोई प्लेन पे ले गया कोई, लेट अस सपोज 1000 किलोमीटर ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पैराशूट बांधे आपको ऊपर जाके, और फिर आपको कहा अब आपको नीचे घेर देंगे, और पैराशूट आपने खोलना नहीं, पैराशूट आपको सिर्फ 2 किलोमीटर पहले खोलना है जब आप जमीन पे उतरेंगे. अब क्या होगा?
अगर कोई सच में छलांग मार स्काई डाइविंग होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लो खड़े हैं, वेलोसिटी बड़ी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ी बड़ी बड़ी, वेट उसको नीचे ले गिर रहा है, वेट बहुत होता है इंसान का, अब थ्रस्ट एयर का कम होता है, अब थ्रस्ट तो काफी कम होता है एयर का, अब एयर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है, ये सेम एयर भी फोर्स लगाती है जो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है, जितनी तेज वेलोसिटी एक्वायर होती जाएगी उस पर्सन की विस्कस फोर्स बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती, एक ऐसा टाइम आएगा जब एयर का अपथ्रस्ट और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस मैन के वेट को बैलेंस कर जाएगा, तो फिर क्या होगा, मैन हवा में कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, रुक नहीं जाएगा, तो फिर आप देखते हैं स्काई डाइविंग में क्या होता है, बहुत देर के बाद वो आराम से जैसे वो रेस्ट पे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते हैं, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत जगह लगता है ये, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, देखो डराइव कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं प्लीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेरिवेशन सिर्फ एक लिखने का तरीका और कुछ भी नहीं है, जैसे सपोज वेट बॉडी का एमजी, वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, तो लिखो इसमें रो लिखो, डेंसिटी ऑफ बॉडी फिगर में रो लिखो रो, और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा लिखो, बॉडी की डेंसिटी रो लिखो और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा लिखो, सिग्मा, तो एक रो और एक सिग्मा,
तो देखो ध्यान आगे प्लीज, फोर्स अपवर्ड 6 pi eta rv, अप थ्रस्ट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, एंड बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का वेट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। तो यहां से रीअरेंज करो, इनको कॉमन निकालो, वी एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कर चुके हो, तो इस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। इसके पैर में चाहे टी डाल सकते हो, वीटी, वीटी का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो ये असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है यहां से नहीं करेंगे हम, शीट नंबर 114 पे करेंगे, शीट नंबर 114। देखो शीट नंबर 114 में पहला एग्जांपल है, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच, 8 रेन के ड्रॉप्स हैं और एक का रेडियस 1 mm है और वो कंबाइन हो जाते हैं और नीचे गिर रहे हैं विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s। गिरते गिरते क्या हो जाते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो 8 ड्रॉप कंबाइन होके जो है एक ड्रॉप बनते हैं। सबसे पहला काम मैथ्स लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम इक्वेट किया, मान लेते हैं छोटे ड्रॉप का रेडियस आर और बड़े का कैपिटल आर, तो 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम छोटे ड्रॉप्स का बड़े ड्रॉप के इक्वल, तो रेडियस का रेशियो आ गया। छोटा रेडियस आपको 1 mm गिवन है तो बड़ा कितना है 2 mm। तो कह रहे बड़े की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2/9 r², बॉडी की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी, पिछले डेरिवेशन में बॉडी की डेंसिटी रो थी, लिक्विड की सिग्मा थी। इस क्वेश्चन में बॉडी कौन है, पानी का ड्रॉप, तो बॉडी पानी और किस में गिर रही है, एयर में, तो मीडियम क्या है इसका, एयर, तो एयर, राइट। और ये फॉर्मूला, अब चाहे छोटा ड्रॉप गिरे चाहे बड़ा गिरे, 2/9 चेंज नहीं होगा, रो चेंज नहीं होगा, दोनों के लिए सिग्मा चेंज नहीं होगा, जी ईटा चेंज नहीं होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेज टू पावर 2। छोटे ड्रॉप के लिए टर्मिनल 5 है तो रेडियस 1 mm है, बड़े ड्रॉप की टर्मिनल निकालनी है और रेडियस कितना है 2 mm है, तो इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करके टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, इजी। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया क्वेश्चन, ये भी कर लिया हमने क्वेश्चन, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बीच में कैसे आया अभी बताऊंगा। मैं इस चैप्टर को रिलेट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हमने इलेक्ट्रिसिटी में यह सीखा, या अभी सीख लेते हैं, कि अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो करंट अगर आएगा एक में तो दूसरे में भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। लेकिन ओम लॉ से I into R1 से पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग है और इसमें अलग है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, V1+। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, और करंट इसमें क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस V इसमें और इसमें क्या रहता है, सेम, लेकिन जो करंट आता है वो ऊपर अलग नीचे अलग, तो करंट I क्या होगा इसमें, I1+I2, और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या रहता है, सेम। डन, यहां तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया आज, पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूले में हमने ये, पहले तो मैंने फॉर्मूला सिखाया कि अगर एक ट्यूब गिवन है, इस एंड का प्रेशर P1 है, इसका P2 और लेंथ L है, तो प्रेशर डिफरेंस को डेल्टा P लिख लिया, P की जगह मैंने, हालांकि मैंने पहले पिछले असाइनमेंट में P लिखा था, एक ही बात है डेल्टा P, P1 - P2। तो पॉइसलीज फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड देगा हमें π/8 डेल्टा P R4/eta L। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज डेल्टा P, ये पाई और आर रेज टू पावर 4 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये क्या आ गया, प्रेशर का डिफरेंस, और ये क्या आएगी, लिक्विड रेजिस्टेंस। कैसे मैं बताता हूं, ओम लॉज में हमने क्या किया कि जो हमारा जो करंट होता है ओम लॉ में वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ओम लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस, लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस, ओम लॉ में चार्ज अपॉन टाइम, इसमें वॉल्यूम बाय टाइम, उसमें इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिक्विड करंट। तो ओम लॉ में इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, इसमें लिक्विड करंट इज प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, नहीं लिक्विड रेजिस्टेंस। तो दिस इज करंट, दैट इज लिक्विड करंट, इज प्रेशर डिफरेंस बाय लिक्विड रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड की रेजिस्टेंस। इफ नीडेड तो लिक्विड रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला कि लिक्विड कितना रेजिस्ट करेगा फ्लो होने के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसे क्या कर दिया, कंपेयर करके, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकलती है वायर की,
ऐसी हमने लिक्विड रेजिस्टेंस निकाल दी। उसी तरीके से अगर पाइप सीरीज में है तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी वन एंड वी टू, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वी वन प्लस वी टू, और करंट क्या होता है सेम, इलेक्ट्रिसिटी में करंट सेम, पाइप्स में भी करंट सेम, और कौन सा करंट लिक्विड करंट। लिक्विड करंट क्या होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों पाइप्स में एग्जैक्टली सेम रहेगा। कोई बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पाइप छोटी है एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाएगी। सही बोला, पाइप बहुत छोटी कर दी चलो फिर कैसे निकलेगा, तेज जाएगा, तो उसका जो है पूरी की पूरी बहुत दूर तक पानी गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि आप जो पाइप है बेसिकली क्या करते हो, पाइप आ रही है उसका क्रॉस सेक्शन छोटा कर दो, पानी की स्पीड उतनी तेज होती जाएगी, तो अमाउंट ऑफ वाटर एक सेकंड में सेम निकलता है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड दोनों में एग्जैक्टली सेम, पर प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं होगा दोनों पाइप्स का। इन दो पॉइंट्स का डेल्टा पी वन, इन दो पॉइंट्स का डेल्टा पी टू, तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू। तो ये रिजल्ट बता रहा हूं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम करते थे बस उसमें पोटेंशियल डिफरेंस में करते हैं, इसमें प्रेशर डिफरेंस में करते हैं। जैसे कि पाइप्स अगर पैरेलल में है, कई लोग इमेजिन करते हैं कि ये ना पाइप्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक पाइप आ रही है, एक ऊपर पानी जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऐसे ना ऐसे नहीं है, ये डायग्राम ऐसे है, एक पाइप आ रही है आधा पानी इधर आधा, ये हॉरिजॉन्टल है, प्लीज ये लिख लेना, ये टॉप व्यू है, ये डायग्राम ऐसे टॉप व्यू। कई लोग गलती से बोल लेते पानी ऊपर चढ़ गया, नहीं ऊपर नहीं चढ़ा, आधा पानी लेफ्ट आधा पानी राइट, राइट क्लियर है यहां तक। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आया यानी कि करंट आया, कुछ करंट लेफ्ट से कुछ राइट से, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ऊपर और नीचे अलग अलग होगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होगा सेम होगा। तो जैसे आज एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये नहीं समझ में आया कि प्रेशर डिफरेंस आपने सेम कैसे कर दिया, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लो ये एक पाइप आई, एक पाइप लेफ्ट से जा रही है एक राइट से जा रही है, कुछ ऐसे टॉप व्यू है, पाइप आई घूम के वापस हो गई, यहां का प्रेशर मान लो P1 है यहां का P2 है, तो देख मैंने कहा देख P1 यहां पे क्या आया P1 माइनस P2, यहां पे क्या आया P1 माइनस P2, तो ये दो पाइप्स किस में माने जाएंगे इन पैरेलल, और प्रेशर डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या रहा सेम, ठीक, लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में डिफरेंट है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो मैंने बस आधा डायग्राम बनाया आधा नहीं बनाया बट पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डेल्टा पी दोनों में सेम, लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो बड़ी पाइप का आ रहा था वो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लेफ्ट वाली पाइप का और राइट वाली पाइप के सम के इक्वल, जैसे हमने पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी में आई क्या लिखा था आई वन प्लस आई टू, सेम तरीके से, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, ये थ्योरी बुक्स में ऐसे बनी नहीं हुई, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, मतलब बुक्स में ऐसे एक्सप्लेन नहीं है, ये मैंने इसलिए बनाई ताकि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके थोड़ा सा इजी फील करोगे। तो यूज कैसे करना है ये देखो, आपके पास दो कैपिलरीज हैं जिसका रेडियस R1 एंड R2 है और लेंथ L1 L2 है, ये दोनों के दोनों अंडरलाइन करो किसमें कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको और प्रेशर हेड P है, कहने का मतलब ये देखो एक पाइप ये एक ये, इसका प्रेशर डिफरेंस P1 इसका P2, लेकिन वो हमें P1 P2 तो मैंने खुद एज्यूम किया, वो तो टोटल प्रेशर हेड बोल रहा है, प्रेशर हेड टोटल कितना है P है, तो प्रेशर हेड इज P, हाँ क्योंकि सीरीज में प्रेशर डिफरेंस सेम तो होता नहीं, टोटल अगर P है तो मैंने बांट लिया P1 एंड P2 में, लेकिन सीरीज में एक चीज सेम होती है वो क्या वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो एक काम करते हैं प्रेशर डिफरेंस P क्या होगा P1 प्लस P2, मुझे निकालना क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वो मुझे निकालना है कि इस पाइप में किसी भी पाइप में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ ये बात पक्की है कि दोनों पाइप में होगा क्या एग्जैक्टली सेम, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो एक काम करते हैं प्रेशर टोटल पी क्या होता है पी वन प्लस पी टू, क्लियर है। मैं क्या फॉर्मूला यूज करने वाला हूं पॉइसलीज फॉर्मूला, पहली पाइप में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड में प्रेशर P1 रेडियस R1 लेंथ L1, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके P1 की वैल्यू निकाल ली, डिनोमिनेटर में ईटा लगा लेना पाई लगा लेना पाई करेक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में पाई आएगा,
यहां भी आएगा और पी टू के नीचे भी आएगा, यहां भी आएगा, ये रहा। ये एक्चुअल में पी वन गलती से लिखा गया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने पी वन निकाला तो ये आएगा वी ईटा एल वन, ये पी वन नहीं आएगा, ये पाई आएगा, पी वन की जगह पाई करना, पी वन काटो, पी वन को काटो, ऐसे पी टू को काटो, यहां पाई आएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी वन निकल गया, दूसरी पाइप के लिए भी तो वी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम पी टू आ गया। टोटल प्रेशर क्या था, पी वन प्लस पी टू, तो टोटल प्रेशर पी, पी वन की जगह पी वन की वैल्यू, पी टू की जगह पी टू की वैल्यू, ये मैंने पुट कर दी, कॉमन निकल गया। मुझे क्या निकालना है, वी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो प्रूव करना है वो आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जाती है और कैसे सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करना है। दो क्वेश्चन और करेंगे इसी हीट के, कि जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, एक ट्यूब है जिसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना है, पी वी सॉरी, एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है एंड रेडियस इसका आर है एंड इसका वॉल्यूम फ्लोइंग सेकेंड कितना है, वी है। फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये केस खत्म हो गया, ये केस खत्म हो गया, वो कह रहे यहां तक एक स्टेटमेंट है। तो यहां से पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 8 पी आर 4 बाय ईटा टाइम्स एल, ये क्लियर है यहां तक। आगे फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्यूब्स, वो कह रहे हैं अब एक काम करो दो ट्यूब लगाओ सेम लेंथ एल एंड एल, एल एंड एल, लेकिन एक का रेडियस क्या रखो आर और एक का क्या रखो आर बाय, तो आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना पड़ेगा, इसमें क्या होगा। हाँ ये हो, इससे तो डिफरेंट होगा, पर जो भी आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए मुझे, वी, इस पाइप के हिसाब से निकालना है। हाँ जो भी होगा नया आंसर, ये बात पक्की है कि इस ट्यूब में और इस ट्यूब में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं कि इसके अंदर इस ट्यूब में और इस ट्यूब में जो भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड होगा एग्जैक्टली सेम। इस ट्यूब का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बोलो क्या होगा, पाई बाय 8, प्रेशर मान लेते हैं इसमें कितना है, पी वन रेडियस आर ईटा एल, सेकेंड पाइप में पी टू रेडियस आर बाय 2 ईटा एल, इन्हें कैंसिल करके पी वन पी टू में रिलेशन आ गया, तो पी टू क्या आ गया 16 टाइम्स पी वन, तो टोटल प्रेशर पी क्या आ गया, पी वन प्लस पी टू, तो यहां से पी टू की जगह 16 इंटू पी वन, तो P is 17 into P1, ठीक रिलेशन बन गया यहाँ पर, क्योंकि टोटल प्रेशर P क्या था, P1 plus P2 था, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को इक्वेट करके प्रेशर में रिलेशन निकाल के ये आंसर आ गया। अब ये बताओ कि मेरे को वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड किस में निकालना है, किसी भी पाइप में निकाल दूं एक ही बात है, दोनों में सेम ही तो होगा। चलो फर्स्ट पाइप का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 8 पी वन आर 4 बाय ईटा एल, यही आंसर है। तो इसमें क्या निकालना है, पी वन, P1 को क्या पुट करेंगे, P by 17, 1 by 17 बाहर, ये फॉर्मूला वही बन गया जो ऊपर हमने लिखा था V, तो इसकी जगह V, तो नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड V डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 17। तो दो केस को सॉल्व किया, पहले फर्स्ट वाला केस एक सिंगल पाइप का, फिर दूसरे वाला केस सीरीज के पाइप का, फिर सीरीज के पाइप का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ V को निकाल लिया। अब सेम क्वेश्चन अगर सीरीज की बजाय किसमें होता, पैरेलल में, पैरेलल में बताओ पी क्या होता दोनों पाइप्स में, सेम, लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में क्या होता, डिफरेंट। ये रहा टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड वीपी, पैरेलल में हमें निकालना है, जो किसके इक्वल होता, वी वन प्लस वी टू, ये मैंने वी वन ये मैंने वी टू को पुट किया, इन्हें एड किया, 17 बाय 16 बाहर आया, ये वही सिंगल पाइप का क्या था, वी, इसकी जगह वी पुट कर लिया, आंसर आ गया 17 बाय 16 टाइम्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक सीरीज पैरेलल क्लियर है यहां तक, ठीक ठीक। तो प्रेशर के डाउट्स कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा, आप दो शीट्स 46 47 करके आना, फिलहाल यहां तक क्लियर है, ठीक।